डियर स्टूडेंट्स, पिछले आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल बट स्पेस, इनकी डेफिनेशन बताई थी। आज उन्हीं पर एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम आपकी है वो आपका CBS इनइक्वलिटी और कोसी स्वार्ट्ज इनइक्वलिटी के नाम से जानी जाती है। आप स्टेट एंड फ्रू के रूप में भी पूछ ले सकते हैं। इफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस की जगह लीनियर स्पेस ले लेते हूँ, लीनियर स्पेस ई, देन आपको दिखाना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई की पावर का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स, इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई एंड वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ ई। इसी को इस तरह से भी कह देते हैं कई बार कि एक्स एंड वाई वाई आर एनी टू वेक्टर्स इन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई नॉर्म ऑफ वाई। दोनों ही रूप में आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, याद भी रखना है। देखिए, आपने आपको बताया था कि एच आपका हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस है तो इसके अंदर नॉर्म है। कैसे डिफाइन होता है? नॉर्म ऑफ एक्स है वो आपका डिफाइन होता है इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एक्स की पावर ए बटा दो के रूप में। नॉर्म ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन होता है। तो अभी ऊपर जो अपन ने लिखा था कि कोशिश वार्ड इनइक्वालिटी के अनुसार इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एक्स इनर मल्टीप्लीकेशन वाई वाई होता है। अब क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस में बात करते हैं तो इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एक्स की पावर ए बटा दो नॉर्म ऑफ एक्स होती है। तो आप इसको आप दोनों साइड में स्क्वायर रूट लें तो ये कह देता है एक्स वाई का इनर मल्टीप्लीकेशन लेस देन इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एक्स की पावर ए बटा दो इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई वाई की पावर ए बटा दो। तो ये क्या बन गया? नॉर्म ऑफ एक्स, और ये क्या बन गया? नॉर्म ऑफ वाई। तो ये आपका रिजल्ट आपके पास आ जाता है इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई इन हिल्बर्ट स्पेस। तो आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों ही स्वार्ड इनइक्वालिटीज हैं, हिल्बर्ट स्पेस में कहें चाहे कैसे भी कहें। तो इसको प्रूव करने के लिए, इस रिजल्ट को दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपन ले लें कि वाई जो है वो इक्वल टू जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इफ वाई इक्वल टू जीरो है तो नॉर्म ऑफ वाई है वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एंड इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई वो कितना आ जाएगा? इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू और इक्वल टू जीरो। तो मीन्स द रिजल्ट इज ऑब्वियस फॉर बोथ साइड वेनिस। तो अपन ले लें कि लेट वाई नॉट इक्वल टू जीरो, वाई कैसा है? नॉट इक्वल टू जीरो है। एंड दूसरा अपन ले लें कि एनी स्केलर ले लें, गामा इज एनी स्केलर की। तो आप देखेंगे इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि अपने को रिजल्ट इन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई है, दूसरे पक्ष में इनर मल्टीप्लीकेशन एक्स एक्स है और वाई वाई है,
तो अपन यहाँ पर इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स माइनस गामा वाई, एक्स माइनस गामा वाई का इनर मल्टीप्लिकेशन से अपन शुरू करेंगे। और अपन जानते हैं कि ये वैल्यू कहते हैं इनर मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है, अर्थात ये जीरो लेस दैन इक्वल टू दिस। यहाँ से अपन इस रिजल्ट को प्रूव करना शुरू करेंगे। अब इनर मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशंस को आपको यूज करना है तो इम्प्लाइज क्या जाएगा, जीरो लेस दैन इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन के अनुसार यह आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स, फिर इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स, इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड एल्फ इसका, तो यह आ जाएगा गामा बाहर आ जाएगा कंजुगेट के रूप में, तो माइनस गामा का कंजुगेट इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, फिर इसका इसके साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन गामा बाहर आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड एक्स, प्लस इसका इसके साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, तो आपका माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक जगह से गामा बाहर आएगा, क्या आएगा वह गामा, दूसरी जगह से गामा का कंजुगेट बाहर आ जाएगा और वाई वाई का इनर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इसको नंबर एक लगा दें, क्या था नंबर एक लगा देंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट इज इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अनुसार आपके पास ये आ जाएगा। अब अपन गामा और गामा का कंजुगेट, क्योंकि अपने को जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई है एक साइड में, दूसरे में इनर एक्स एक्स है वाई वाई है, तो अपन गामा की जगह गामा है वो इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई ले लेंगे, डिवाइडेड बाई इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड वाई लेंगे, तो ये इम्प्लाइज करेगा गामा का कंजुगेट कितना आ जाएगा, इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई और इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड वाई इसका कंजुगेट, और ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट और इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड वाई का कंजुगेट, और ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट और इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड वाई, ये आपका दो नंबर इसको कह दें इसको तीन कह दें। तो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी है, फर्स्ट में आपका जीरो लेस देन इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस गामा का कंजुगेट मीन्स इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट अपॉन इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड वाई और इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, माइनस है आपका गामा अर्थात इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड वाई और इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड एक्स, फिर है प्लस गामा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई प्लस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड वाई गामा का कंजुगेट, तो इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट अपॉन इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड वाई मल्टीप्लाई बाय इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एंड वाई। ये वैल्यू अपन ने रखी, इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो यह आएगा जीरो लेस दैन इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपका आगे वाली टर्म्स में ये भी कंजुगेट के फॉर्म में आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट आ जाएगा, ये वाला टर्म्स ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट, तो ये टू टाइम्स आपके पास हो जाएगा। तो फिर आगे वाले टर्म्स में एक बार लेते हुए तो ये आ गया माइनस
इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई एंड वाई, फिर माइनस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट डिवाइडेड बाय इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई एंड वाई, प्लस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई एक्स एंड वाई का कंजुगेट एक्स एंड वाई का कंजुगेट डिवाइडेड बाय इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई एंड वाई। आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा जीरो लेस देन इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई एंड वाई, और ये इम्प्लाइज करेगा, इसको इस पक्ष में लिखे जाए तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स, उस पक्ष में ले जाइए तो यह आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई एंड वाई। इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। अब यदि अपन हिलबर्ट स्पेस में अपन बात करें तो ये रिजल्ट आपके पास हिलबर्ट वाले फॉर्म में पूछे तो अपन आगे देखें तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर। यहाँ अपन ने ये लिखा है तो ये आपका कि इस कारण से आ गया क्योंकि अपन जानते हैं इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर एक्स एंड वाई का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया लेस देन इक्वल टू कितना जाएगा नॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ले लीजिए सही या स्क्वायर रूट ले लीजिए या फिर नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर लिख दीजिए। सिंस नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स की पावर एक बटा दो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स। जो भी आपको यूज करना है स्क्वायर लेना स्क्वायर स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा बाद में लेना पड़ेगा तो इम्प्लाइज इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ ई। तो हिलबर्ट स्पेस में अपने पास सवाल इनइक्वालिटी है वो इस फॉर्म में आ जाएगी और इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर आपका इस तरह से आ जाएगी। इन रिजल्ट्स को आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट अपन एक छोटी सी थ्योरम कर लें थ्योरम है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉन लीनियर स्पेस नॉन लीनियर स्पेस। ये यूँ कहें कि इफ इनर मल्टीपल एक्स एंड वाई इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन ए लीनियर स्पेस ई देन प्रूव दैट नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एक्स की पावर एक बटा दो इज ए नॉर्म ऑन ई। क्योंकि आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस को नॉर्म लीनियर स्पेस दिखाना है तो इसका मतलब है उस इनर प्रोडक्ट वो आपके इस फॉर्म में आपको डिफाइन करना पड़ेगा और आपको दिखाना है कि नॉर्म की तीनों कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रहा है नॉर्म की तीनों कंडीशन है उसको
सेटिस्फाई कर रहा है. तो वी शो दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस स्पेस ई इज ए नॉन लीनियर स्पेस linear space with norm defined as norm of x equal to absolute value of inner multiplication of x x की पावर एक बटा दो. ये अपन दिखाएंगे. तो फर्स्ट सिंस inner multiplication of x and x is greater than equal to 0 and inner multiplication of x x equal to 0 if and only if x बराबर 0. इसको जैसे नंबर एक लगाते हैं तो ये इम्प्लाइज करेगा norm of x square is greater than equal to 0 and norm of x square equal to 0 if and only if x बराबर 0 by first. Implies norm of x is greater than equal to 0 and norm of x equal to 0 if and only if x बराबर 0. तो norm की पहली कंडीशन आ गई. सेकेंड अपन दिखाएंगे कि norm of alpha x equal to absolute value of alpha norm of x square के रूप में ले लें तो यह जगह इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ alpha x by first इक्वल टू ये आ जाएगा अल्फा अल्फा का कंजुगेट इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये इम्प्लाइज कर रहा है नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स. नॉर्म की दूसरी कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर दिया. तीसरी कंडीशन है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर के रूप में ले लें. इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स प्लस वाई खोल लीजिए इनर मल्टीप्लीकेशन डेफिनेशन का एक्स का एक्स के साथ इनर मल्टीप्लीकेशन एक्स का वाई के साथ इनर मल्टीप्लीकेशन प्लस वाई का एक्स के साथ में इनर मल्टीप्लीकेशन वाई का वाई के साथ में इनर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स प्लस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई प्लस इसको आप लिख दीजिए इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई का कंजुगेट प्लस इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वाई एंड वाई. तो ये आपका अपन जानते हैं कि जेड और जेड का कंजुगेट कितना होता है रियल पार्ट ऑफ जेड होता है. और तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड जेड मीन्स एक्स एंड वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर. और अपन जानते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होता है इज इज रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होता है इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड कितनी होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड का स्क्वायर का हाफ तो ये आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा जेड होती है जेड स्क्वायर होते हैं. देखिए आप जानते हैं कि ये जानते हैं कि जेड आपका है एक्स प्लस आइटा वाई. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड कितनी आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्स और एक्स क्या चीज़ है रियल पार्ट ऑफ जेड है रियल पार्ट ऑफ जेड है. तो इसी को तो अपन यूज करें तो ये यूज किया तो आपके पास ये आ गई. तो इसकी जगह अपने पास आ जाएगी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स
absolute value of inner multiplication of x and y plus norm of y square. So our inequality है उसको use करें तो ये less than equal to norm of x square plus 2 times norm of x plus norm of y हो गई plus norm of y square by Schwarz inequality. Schwarz inequality के अनुसार inner multiplication of x and y के absolute value less than equal to norm of x plus norm of x और norm of y होती है. इसको अपन ने यूज किया तो यह आ जाएगा less than equal to norm of x plus norm of y का whole square. किसके क्या आ रही है इधर norm of x plus y का होल स्क्वायर. तो ये रिजल्ट आपके पास आया इम्प्लाइज norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y. Hence, norm of x equal to inner multiplication of x, x की पावर 1/2. Hence, defined a norm on E. That is, every inner product space is a non-linear space. Linear space. That is, E is a non-linear space. Linear space. It not defined by this. So, ये theorems थी. याद भी रखिए. Thanks, students.